नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंगशुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंगशुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। हम 2024 के बारे में बहुत सारी बातचीत कर चुके हैं। 2024 की अच्छी दिशाएं क्या है, इनऑस्पिशियस डायरेक्शन क्या है, फाइनेंशियल बेनिफिट देने वाली दिशा क्या है, रिलेशनशिप को बढ़ाने वाली दिशा क्या है, बहुत सारी अलग अलग बातें कर चुके हैं। आज हम छोटी छोटी टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक अच्छे घर में रहने चले जाते हैं, घर में बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन बच्चों और पेरेंट्स के जो वहाँ पे फैमिली के जो रिलेशनशिप होते हैं वो इतने ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं कि कई बार हम अपने खुद के बच्चों के साथ खुल के बातचीत नहीं कर पाते और बच्चों के पेरेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। 2024 के बारे में जैसे आप जानते हो कि ये सैटर्न से रिलेटेड साल है। इस साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाई देंगे, लीप ईयर है। कुछ तीन ऐसी पावरफुल दिशाएं हैं जो आपको ये साल के अंदर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट देने वाली दिशा बन जाएगी, जो आम तौर पे अच्छी हेल्थ, अच्छे रिलेशनशिप और सुख शांति की दिशा मानी जाती है, अपॉर्चुनिटी की दिशा मानी जाती है। वो तमाम ऐसी दिशा है जो आदमी के जीवन का एक फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए स्ट्रांग इफेक्ट देती थी, वो सारी डायरेक्शन 2024 के अंदर नेगेटिव डायरेक्शन में चुकी है। तो उसके नुकसान जो है वो 100 में से ही कह सकते हो कि 100 में से 95 लोगों को होने वाले हैं, ऐसा वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के अंदर माना जाता है। उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि मई जून महीने के बाद आपको रिलेशनशिप की समस्या बहुत ज्यादा दिखाई देगी। ये रिलेशनशिप आपसी हो सकते हैं, आपके और आपके बच्चों के हो सकते हैं, जहां पे काम करते हो आपके और आपके बिजनेस लोकेशन के हो सकते हैं, यानी कि पर्सनल, सोशल एंड बिजनेस रिलेशनशिप तमाम जगह पे आपको थोड़ी बहुत अनबन दिखाई देगी। सबसे ज्यादा परेशानी होगी पेरेंट्स और बच्चों के साथ। इसका मतलब ये होता है कि 2024 के अंदर पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में जो भी अच्छे डिसीजन लेने हैं, जो भी उनके साथ बातचीत करनी है, वो एक न्यूट्रल रिलेशनशिप बना के करनी पड़ेगी। आज मैं आपको तीन चार छोटी छोटी टिप्स देने वाली हूँ, सिंपल टिप्स देने वाली हूँ, जो आप अपने घर में अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि जहां कहीं जिन घरों में आपके रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ, रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुके हो, चाहे बच्चे आपके मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, लेकिन अगर बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा वर्स्ट हो, तो ऐसे तमाम लोगों को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कॉर्नर में, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कॉर्नर में और अपने घर के ईस्ट यानी पूर्व दिशा में छोटी मोटी रेमेडियल टिप्स को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर घर में लड़कियां हैं, बेटियां बहुत ज्यादा हो, माता पिता के रिलेशन खराब हो चुके हो, तो वास्तु के हिसाब से घर का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी कि वायव्य कोण जो होता है वो घर की बेटियों की दिशा मानी जाती है। एल्डर डॉटर के लिए घर के अंदर आपके बेटे के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपके सन इन लॉ के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो वास्तु के हिसाब से घर के मुखिया के लिए उसके आपसी रिलेशनशिप में उसके बेटे के साथ, उसके सन इन लॉ के साथ जोड़ती हुई रिलेशनशिप की दिशा है, उसको ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर माना जाता है। घर का जो ईस्ट कॉर्नर होता है वो आमतौर पे पेरेंट्स और बच्चों के साथ रिलेशनशिप को हार्मनी करने के लिए, उसको बनाने के लिए, ये बोलते हैं कि यूनिटी बनाए रखने के लिए, वो उसको बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको सक्रिय करना पड़ता है, जो उसको सपोर्ट करता है। यानी ईस्ट जो है वो आपके और आपके बच्चों के रिलेशनशिप के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, आपको जोड़ने का काम करता है। नॉर्थ ईस्ट दिशा आपके और आपके घर के बेटे और सन इन लॉ के साथ, नॉर्थ वेस्ट दिशा आपके घर की बेटी और आपकी डॉटर इन लॉ के साथ आपके रिलेशनशिप को एक हार्मोनियस बनाने का काम करता है। अब आप छोटी छोटी टिप्स को कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आपको 2024 के दौरान ये मालूम है कि आपके घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कोई भी तरह का वास्तु दोष है, वास्तु दोष किस तरह का होगा, वास्तु दोष का मतलब होता है कि जिन घरों में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कोई भी तरह के, अगर आपके इंडिया के घर है और आपके पास पानी की वाटर टैंक बनी हुई है, आपका यूएस में घर है और यहाँ पे आपके घर में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या वाटर लाइन पानी की, पीने के पानी की पाइपलाइन बनी हुई है, नॉर्थ वेस्ट में कोई भी तरह का स्विमिंग पूल है, नॉर्थ वेस्ट में कोई भी तरह का वाटरफॉल है, घर के मास्टर बेडरूम का बाथरूम अगर आपके घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बना हुआ हो, कहीं पे भी वाटर एलिमेंट अगर नॉर्थ वेस्ट वायव्य कॉर्नर में कंपास के अनुसार 300 से लेकर 320 डिग्री तक, 300 से लेकर 320 डिग्री तक अगर कंपास में आपको नॉर्थ वेस्ट में वाटर एलिमेंट दिखाई देता है,
तो 2024, 2025, 2026 लगातार होने वाले 3 सालों के दौरान आपके घर में आपकी बेटी के साथ, आपकी डॉटर इन लॉ के साथ, घर में रिलेशनशिप में बेटियों के साथ आपके रिलेशनशिप है वो वर्स्ट हो जाएंगे, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगी। लगाव प्यार होता है लेकिन रिलेशनशिप में डिस्प्यूट दिखाई देंगे। जिन घरों में शादी ब्याह से रिलेटेड लड़कियों की कोई भी समस्या हो, उन लोगों को मई जून के बाद नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अगर वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कोई वास्तु दोष है तो उनको रिलेशनशिप को बनाने के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। जबकि 2024 के अनुसार नए रिलेशनशिप बनाने के लिए 2024 को अच्छा माना जाता है, लेकिन जहां पे नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष हो वहां पे आपको थोड़ी सी परेशानी नए रिलेशनशिप को बनाने के लिए हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो कि घर के बेटों का कॉर्नर माना जाता है, घर के सन इन लॉ का कॉर्नर माना जाता है, जो भी आप अपने घर के अपने ब्रदर के बेटे को भी अगर आपने अपना बेटा माना हुआ हो तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन जो घर परिवार के लोग रहते हैं, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो चाहे माता पिता हो, उनका अपने आपस में जो भी उनके बेटे होते हैं शादीशुदा हो या अनमेरिड हो, उनके साथ रिलेशनशिप के अंदर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की तरह, जैसे नॉर्थ वेस्ट में बेटियों के साथ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बेटी के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी सी अनबन होने के चांसेस है। 2024 का वास्तु यह कहता है कि 2024 के मई महीने से लेकर 2024 के नवंबर दिसंबर तक का जो मंथ होता है वहां पे आपको ये देखना है कि जिन घरों में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एलिवेटेड हो, यानी कि वहां पे उठा हुआ हो, किसी भी वजह से लॉर्ड का वास्तु ऐसा हो कि नॉर्थ वेस्ट आपका एलिवेटेड बनता हुआ हो, किसी भी वजह से लॉर्ड का वास्तु ऐसा हो कि नॉर्थ ईस्ट भी एलिवेटेड बनता हो, यानी नॉर्थ वेस्ट भी है और नॉर्थ ईस्ट भी है, और इस कंडीशन में अगर आपका बेटा शादीशुदा है तो आपको डॉटर इन लॉ और बेटे के साथ दोनों के साथ रिलेशनशिप में ज्यादा अनबन दिखाई देगी। जहां पे नॉर्थ ईस्ट में कोई भी तरह का वास्तु दोष हो, कल मैं जॉर्जिया में एक क्लाइंट के साथ कंसल्टिंग करने के लिए गई थी, मैंने उनका घर देखा, वो नया घर खरीदना चाहते थे और मेरे को वहां पे विजिट करवाया था कि टेम्पररी रेंट करके विजिट करते हैं ताकि हम नया घर बना रहे हैं तो बनाने के बीच में काफी टाइम है तो टेम्पररी हम इस घर को लेते हैं, बट वो फाइनेंशियल स्ट्रांग थे तो उनको लीज नहीं करना था, उनको वो घर भी खरीद लेना था। टेम्पररी घर खरीद के वो रखना चाहते थे कि बाद में उसको रेंट कर देंगे, उस बहाने एक रियल एस्टेट बन जाएगा। उसी के बहाने से कल कंसल्टेंसी बुक हुई। जब हमने घर देखा तो घर उनका गौमुखी था, लेकिन घर के अंदर रोड लेवल से स्लोप ऐसे डाउन करके हम घर में जा सकते थे, और जैसे ही हम घर में एंटर करते थे घर ईस्ट फेसिंग था जिसको हम पूर्वाभिमुख बोलते हैं, और घर का जो राइट कॉर्नर था वहां पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक छोटा सा वहां पे एलिवेटेड एक स्लोप जैसा बना हुआ था, वहां पे लैंडस्केपिंग की वजह से वहां पे डर्ट वगैरह थी और उसको एलिवेटेड किया गया था, और वहां पे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ट्री थे, बहुत हैवी था, तो उसको देख के मैंने कहा कि आप ये घर तो ले सकते हो, लेकिन जैसे ही आप घर में एंटर करोगे मई जून से लेकर कॉन्स्टेंटली लगातार आपके अपने बेटे के साथ अपने परिवार के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी सी अनबन रहेगी, ये सोच समझ के आप घर लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आपको घर लेने के बाद ऐसा लगे कि ये बात आपको पहले पता नहीं थी, और हम ये टेम्पररी घर में जा रहे हैं, बट फॉर्चुनेटली आप इसको परचेस कर रहे हो, आई विल डेफिनेटली रेक्टिफाई द प्रॉपर्टी, लेकिन ये जो वास्तु दोष है उसका इस तरह का इफेक्ट रहेगा कि आपके बेटा आपके साथ बिजनेस में जुड़ा हुआ है, आपके जो डॉटर इन लॉ भी आपके साथ बिजनेस में जुड़ी हुई है, तो रिलेशनशिप में थोड़े बहुत अनबन होने के चांसेस है। तो ये बात को सोच के उनको लगा कि फिर ये क्या डिसीजन होना चाहिए कि घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब आप नया घर खरीदते हो और आपको पहले से कोई वास्तु दोष मालूम हो तो आप अपने डिसीजन में थोड़ा सा सोच समझ के विचार करके फिर आप उस घर के साथ आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी घर ले चुके हैं और उनके घर में इस तरह का वास्तु दोष है और साल के बदलते ही वो वास्तु दोष अलग अलग तरह के पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देता है, तो उस तमाम कंडीशन में उनको घर बदल के नहीं जाना है, घर को छोड़ के भी एवरी ईयर नहीं जाना है। जो उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसके अंदर सिर्फ वो छोटी छोटी ही वास्तु की एवरी ईयर की टिप्स को अप्लाई करके उसके पॉजिटिव रिजल्ट को ले सकते हैं। यहाँ पे जिन लोगों के घर में पहले से अपॉर्चुनिटी है और नॉर्थ ईस्ट एलिवेटेड है वो उस घर को प्रॉपर्टी को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हो तब उस कंडीशन में बात है, चाहे आप रेंटल करना चाहते हो तो भी ये बात आएगी, चाहे आप खरीदना चाहते हो तो भी ये बात आएगी, और नया घर है और आप कंस्ट्रक्शन का प्लानिंग कर रहे हो, घर कंस्ट्रक्शन करके बनाना चाहते हो और बनाते बनाते जब तक बिल्डिंग खत्म नहीं होती है तब तक बिल्डिंग आपके नाम पे चढ़ गई, आपने लॉट खरीद लिया,
लेकिन वो वास्तु दोष वहां पे बना है, आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो, तो उस तमाम कंडीशन में 2024 में रहने वाले परिवारजन या जिनके नाम पे नॉर्थ ईस्ट एलिवेटेड लैंड है, ऐसे तमाम लोगों को अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप में डिस्प्यूट बहुत दिखाई देंगे। यहां तक कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले इंडिया दिल्ली में कंसल्टिंग किया था, तो मैंने देखा कि जैसे ही गुड़गांव में वो अपने घर में एंटर कर रहे थे, घर के एंटर करने के साथ ही जो उनके घर का ड्राइववे था वो नॉर्थ ईस्ट का बना हुआ था, और वहां पे उन्होंने कुछ चीजें जो कि उनकी इंडिया में आपको मालूम है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक होती है, और कई बार घर के अंदर दरवाजे के साथ एंटर करने के साथ मेन डोर जो आप जिसको विकेट गेट बोलते हो, विकेट गेट पे वहां पे पिलर बना हुआ था और वहां से बड़े से डोर लगे हुए थे जिसकी वजह से वो डोर खुल जाता था और आप कार लेके घर में एंटर कर सकते थे। वहां पे भी वही बात थी कि समस्या यही है कि नॉर्थ ईस्ट जहां पे एलिवेटेड है वहां पे आपके रिलेशन, आपके फादर एंड सन के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, और उनको तो इफेक्ट थोड़ा बहुत ऑलरेडी होना शुरू हो गया था और वही पर्पज से उन्होंने कंसल्टिंग करवाया था। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक प्रॉपर्टी में जाते हैं, उसको समय अनुसार अलग अलग तरह के इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं। 2024 में अगर किसी भी घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एलिवेटेड हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एलिवेटेड है और वहां पे आप बिजनेस करते हो अपने परिवारजनों के साथ, अपने नेफ्यू के साथ कर रहे हो, अपनी नीस के साथ कर रहे हो, अपने बेटे के साथ कर रहे हो, अपनी बेटी के साथ कर रहे हो, तो रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष है जो आपको अपने घर के अंदर रहने वाले फीमेल रिलेशनशिप के साथ आपको परेशान कर सकता है, चाहे बेटी हो, नीस हो, डॉटर इन लॉ हो। नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का वास्तु दोष हो तो आपको अपने घर के बेटे हैं, आपके कजिन हैं, आपके ब्रदर हैं जो बेटे के समान है, आपके अपने खुद के बेटे या आपके जो सन इन लॉ है उनके साथ रिलेशनशिप खराब कर सकता है। डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कैसा है। नॉर्थ वेस्ट में रेक्टिफाई करने के लिए आपको कंपास से 300 से लेकर 320 डिग्री तक देखनी है। नॉर्थ ईस्ट में रेक्टिफाई करने के लिए आपको 0 से लेकर 60 डिग्री तक का जो कंपास है उसको आपको देखना है, और वहां से आपको ये समझना है कि आप इस वास्तु दोष को कितना बड़ा है, कितनी डिग्री तक वो फैला हुआ है, और उसके हिसाब से आप रेक्टिफाई कर सकते हो। कुछ लोग अपार्टमेंट बिल्डिंग में होते हैं, टाउन होम में होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में, तो आपको कई बार सेम फ्लोर लेवल होता है, लेकिन कई बार कुछ घरों में हाई राइज बिल्डिंग में अनइवन फ्लोर होता है, टाउन होम में भी अनइवन फ्लोर है। तो अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई ऐसी बात है जिसमें आप दो स्टेप अप करके, दो वहां पे राइजर है और आप दो स्टेप अप करके आप वहां पे जाते हो, तो उसको भी हम एलिवेटेड के कैलकुलेशन में मानते हैं। वास्तु के हिसाब से जब कभी आप अपना एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी सिलेक्शन, नया घर लेना चाहते हो, रेसिडेंशियल कमर्शियल लेना चाहते हो, तो एक और टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी कि रोड के सामने, बिल्डिंग के सामने जो रोड पड़ता है, उस रोड लेवल से अगर आपकी प्रॉपर्टी बिलो जाती हो, रोड लेवल से अगर आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही बिलो जाती हो, तो और उस कंडीशन में आपका लॉट वेस्ट फेसिंग हो, तो उस तरह की प्रॉपर्टी का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। रोड लेवल से अगर आपकी प्रॉपर्टी बिलो जाती हो और उस कंडीशन में अगर आपकी प्रॉपर्टी साउथ फेसिंग हो, तो वहां पे तो बिल्कुल ही सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। अगर मेन रोड से आपकी प्रॉपर्टी बिलो जाती हो, मतलब ग्राउंड लेवल उसका स्लोप डाउन जाता हो, और वो प्रॉपर्टी आपकी नॉर्थ फेसिंग हो, ईस्ट फेसिंग हो, एज अ कंसल्टेंट होने के नाते मैं अपने प्रैक्टिस के तजुर्बे से आपको ये कहना चाहूंगी कि फिर भी सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। बेस्ट वास्तु की प्रॉपर्टी इसको मानते हैं जो रोड लेवल से इक्वल पड़ती हो, या अगर रोड लेवल से हाइट पे जाती हो। अगर रोड लेवल से आप हाइट पे जाते हो, तो उसका भी वास्तु ये होता है कि बहुत बार, काफी सारे साल ऐसे होते हैं जिसके बदलने के साथ साथ भी कई बार हाइट पे रहने वाली प्रॉपर्टी पे उसके नेगेटिव प्रभाव कम दिखाई देते हैं। अगर रोड लेवल से, ग्राउंड लेवल से प्रॉपर्टी अगर आपकी डाउन जाती हो, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर एवरी ईयर होने वाले जो इफेक्ट है उसमें नेगेटिव इफेक्ट के परिणाम होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए वास्तु में 3-4 बातें बहुत ही कॉमन बताई गई है। सबसे पहली बात कि जो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल और कमर्शियल, बाहर का प्रॉपर्टी का जो रास्ता पड़ता हो, उस रोड लेवल से किसी भी वजह से उसका डाउन जाता हो, रोड लेवल से बिलो द ग्राउंड जाती हो, तो उस कंडीशन में प्रॉपर्टी का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। अगर आप कर चुके हो तो आप उसका वास्तु, उस वास्तु दोष को रेक्टिफाई कर सकते हो उसी पोजिशन में, उसको बिना चेंज किए, लेकिन पहले से मौका मिलता हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, वास्तु में शेप जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं।
2024 के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जानने लायक ये भी है कि किस तरह के शेप के बने हुए लॉर्ड के ऊपर 2024 का वास्तु और ज्यादा नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। तो उसमें सबसे पहले समझते हैं शेरमुखी लॉर्ड। वास्तु में शेरमुखी लॉर्ड को आम तौर पे अच्छा नहीं माना जाता। जो भी तरह के रेजिडेंशियल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को आप लेते हो, उस प्रॉपर्टी का फ्रंट ऑफ द लॉट, प्रॉपर्टी का जो फ्रंट फेस है वो बिगर होता है, वो बड़ा होता है, और प्रॉपर्टी का जो बैक ऑफ द प्रॉपर्टी का जो फ्रंट अगर आपका बिगर होता है और बैक अगर आपकी जो होती है वो नैरो होती है, तो उस प्रॉपर्टी को शेरमुखी कहते हैं। आप मेरे शायद हैंड शेप से समझ सकते हो कि जिसका आगे का हिस्सा बड़ा हो और बैक में जाके लॉट छोटा हो जाता हो, फ्रंट बड़ा हो और बैक में जाके लॉट छोटा हो जाता हो, उसको वास्तु में शेरमुखी लॉट, टाइगर फेस लॉर्ड बोलते हैं। टाइगर जो होता है उसका मुंह बड़ा होता है और उसकी जो गर्दन होती है वो छोटी होती है। और शेरमुखी लॉर्ड में माना जाता है कि उस तरह की प्रॉपर्टी में रहने वाले लोगों को ज्यादातर नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनको हमेशा उस प्रॉपर्टी पे एंगर ज्यादा रहता है। 2024 का वास्तु ये कहता है कि 2024 की सबसे बड़ा एलिमेंट अगर इस साल दिखाई देगा तो वो है फायर एलिमेंट। इसका मतलब होता है कि 2024 के अंदर फायर एलिमेंट सबसे ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट माना गया है और शेरमुखी लॉर्ड के अंदर सबसे ज्यादा वही एलिमेंट दिखाई देता है, क्योंकि शेर का नेचर स्वभाव कैसा होता है, उसमें गुस्सा होता है, आक्रोश होता है। इसीलिए वास्तु में अलग अलग तरह के शेप के ऊपर से ये प्रिडिक्शन किया जाता है कि इस तरह के शेप में रहने वाले आदमी को किस तरह का इफेक्ट हो सकता है, अच्छा या बुरा। काफी बार बहुत ऑस्पिशियस शेप भी वास्तु में बताए गए हैं, लेकिन आज हम ऐसे नेगेटिव शेप के बारे में बात करते हैं जिसका 2024 का वास्तु जो है उसके ऊपर और ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। उसमें से एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट शेप था नेगेटिव इफेक्ट देने वाला, जिसको हम शेरमुखी शेप बोलते हैं। शेरमुखी शेप के लॉर्ड रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, उन तमाम लोगों को 2024 में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा क्राइसिस दिखाई देगी। उनके जो अपने एम्प्लॉई वहां पे हैं उसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप में उनको प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, और 2024 जो है उनको ज्यादातर जो है वो बहुत ही ज्यादा ये कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन वाला साल रहेगा, जिसमें नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो 2024 में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में वाटर एलिमेंट हो उन लोगों के लिए ये साल अच्छा नहीं रहेगा। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जिन घरों का एलिवेटेड हो उनके लिए 2024 का साल अच्छा नहीं माना जाता। रोड लेवल से जो प्रॉपर्टी ग्राउंड लेवल से अगर बिलो जाती हो, डाउन जाती हो, उस तरह की प्रॉपर्टी रियल एस्टेट रेसिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, उनके ऑनर के लिए भी 2024 का साल अच्छा नहीं माना जाता। अगर इस कंडीशन में आपका प्राइमरी होम हो तो आपके लिए पूरा साल जो है वो ट्रबल में कर रहेगा। ठीक उसी तरीके से शेरमुखी लॉर्ड को भी वास्तु मान्यता नहीं देता है, तो शेरमुखी लॉर्ड के अंदर रहने वाले लोगों को, चाहे प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, उनके लिए ये साल बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देने वाला साल माना जाएगा, जो फाइनेंशियल लॉस की रीजन बन जाएगी, रिलेशनशिप डिस्प्यूट की वजह बन जाएगी, हर तरह के प्रॉब्लम्स उनको दिखाई देंगे। मई जून से लेकर 2025 के मार्च महीने तक उसके नेगेटिव, यानी कि 1.5 ईयर तक उसके नेगेटिव इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। 2024 जो है उसके कैलकुलेशन में कुछ अच्छी बातें हैं जो कि रिलेशनशिप की रेमेडी के तौर पे आप अपने घर और बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2024 में अगर किसी भी वजह से शेप ऑफ द लॉट किसी भी वजह से सही नहीं है, तो आप लैंडस्केपिंग की रेमेडी से अपने लॉट को एक शेप दे सकते हो, अगर वहां पे पॉसिबिलिटी है तो। अगर कमर्शियल प्रीमाइसिस है और आपके पास अपना खुद का ईजमेंट शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, कई बार होटल मोटल में ऐसा होता है, गैस स्टेशन में ऐसा होता है कि वहां पे लॉट बड़ा होता है लेकिन आप अपना जो ईजमेंट है वो किसी के साथ शेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में आप वहां पे कोई भी तरह के लैंडस्केपिंग की हेल्प नहीं ले सकते हो। अगर रेगुलर लॉट है आमतौर पे जिसके पास आपके पास फोर कॉर्नर्स ओपन है, इनफ स्पेस है आपके पास, तो लैंडस्केपिंग की हेल्प से आप सबसे पहले शेप ऑफ द लॉट को सही कीजिए और ज्यादातर हो सके तो उसको रेक्टेंगुलर और एल शेप के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे लॉट शेरमुखी हो, चाहे लॉट आपका रोड लेवल से ग्राउंड लेवल पे बिलो पड़ता हो, तो वहां पे भी आप शेप के लैंडस्केपिंग की हेल्प से आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। अगर कॉमन ईजमेंट आपके पास है, तो कई बार जैसे इंडिया में मानते हैं कि अगर हम कॉपर पट्टी को लगाते हैं, जो पंच धातु की पट्टी बोलते हैं जिससे हम लॉट को रेक्टिफाई करते हैं,
यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि एज अ कंसल्टेंट मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान आज तक पूरी लाइफ में कभी भी कॉपर पट्टी का प्रयोग नहीं किया, वेरी रेयर, शायद इतने सालों में इतने मिलियंस ऑफ क्लाइंट में से किसी एक या दो के साथ किया होगा, इसके अलावा मैंने कभी इसका उपयोग नहीं किया। कॉपर पट्टी जो होती है वो अंडरग्राउंड रेमेडी होती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे वास्तु दोष को फिक्स करने के लिए अगर अबाव द ग्राउंड आप उसको फिक्स करते हो तो उसके इफेक्ट जो है वो बहुत जल्दी दिखाई देते हैं। अगर इस साल आपकी कॉमर्शियल प्रीमाइसिस इस तरह की है जिसका शेप अगर आप उसको फिक्स करना चाहते हो और वहां पे कॉमन ईजमेंट बनी हुई है तो उस कंडीशन के अंदर आप अबाउ द ग्राउंड भी आप उसको शेप दे सकते हो। और पार्किंग लॉट के लिए जो अलग अलग तरह के हम पार्किंग क्यूब का इस्तेमाल करते हैं वो अबाउ द ग्राउंड करके आप उसको फिक्स कर सकते हो। अंडरग्राउंड आपको कॉपर पट्टी डालने की जरूरत नहीं है, आप लैंडस्केपिंग का प्रयोग करके अबाउ ग्राउंड उसको फिक्स कर सकते हो, जिसमें बहुत सारी सिंपल रेमेडी ऐसी होती है जिसमें आपको नेचुरल लैंडस्केपिंग की जरूरत नहीं है। आप ग्राउंड के ऊपर ही कुछ खास तरह की चीजें बना के दिशाओं के हिसाब से उसकी हाइट वगैरह फिक्स करके आप उसका फायदा ले सकते हो। छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, कंस्ट्रक्शन साइट के अनुसार हर सवाल आपकी साइट के हिसाब से ही उसके जवाब ढूंढे जाते हैं। अगर आपको कोई भी तरह के कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के शेप को फिक्स करने की समस्या हो तो आप अपने लॉट का, अगर आपके पास सर्वे प्लान हो तो शेप ऑफ द लॉट या सर्वे प्लान आप हमें ईमेल कर सकते हो 123vastu@gmail.com पर, और हमारी कोशिश रहेगी कि किस तरह से उसको रेक्टिफाई किया जाएगा हम आपको इसी लाइव शो के माध्यम से दिखाएंगे। प्रैक्टिकल साइट होगी तो लोगों को उसके बारे में ज्यादा आइडिया आएगा कि किस तरह से आप साइट को रेक्टिफाई कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी एलिवेटेड एरिया बना हुआ हो तो वहां पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स रेमेडी का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि आपके रिलेशनशिप आपके घर परिवार के बच्चों के साथ अच्छे बने रहे। हर कंस्ट्रक्शन साइट के स्क्वायर फिटेज और उसके अपने अपने पोजिशन के अनुसार उसकी रेमेडी को सजेस्ट किया जाता है। 2024 में आप अपने घर में अगर सिर्फ जेमस्टोन की रेमेडी नॉर्थ ईस्ट में करना चाहते हो तो एमेथिस्ट रॉक को आप अपने घर के ईशान कॉर्नर में रख सकते हो और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर रोज क्रिस्टल का प्रयोग आप कर सकते हो। ये दोनों जेमस्टोन रेमेडी है वो अपने स्क्वायर फिट के हिसाब से आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी है। ग्राउंड लेवल से अप होनी चाहिए, 2.5 फीट से ज्यादा अप हाइट पे रख सकते हो। आप कोई भी तरह की शेल्फ वगैरह का अगर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स रेमेडी को अप्लाई किया जाता है जिसके लिए आपके घर में रहने वाले तमाम लोगों की नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके घर का एड्रेस और कौन सी साल से आप इस घर में रहने आए, ये तमाम इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखकर हम आपको रेमेडी भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फ्लोर प्लान भेजना है या अपनी इन्फॉर्मेशन हमें ईमेल करनी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुश रहें, सलामत रहें, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। नमस्ते।